हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर आपके लिए लाया हूँ दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। 10 क्वेश्चन में दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। ये आपके पटवारी, वीडियो, जितने भी राजस्थान के एग्जाम होंगे उनमें आपको बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है आपके सारे क्वेश्चन। काठल का मैदान, छप्पन का मैदान, उपरमाल का पठार और गिरवा का पठार। तो आपको पता है दोस्तों इन सभी के बारे में, बेसिक से आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। आपको रिवीजन करना है तो आपको राइट आंसर बताना है इनका। बताइए क्या होगा इनका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको पता है कि कांटलगढ़ का मैदान माही नदी के, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़, उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और गिरवा का उदयपुर के आसपास है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों कि सुमेलित करना है इनको भी। आपको बताना है मरुवार को क्या कहते हैं, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, इनको किस नाम से जानते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि मरुवार जोधपुर को कहते हैं, जांगल बीकानेर को, नागौर मत्स्य क्षेत्र, जयपुर अलवर क्षेत्र और सूरसेन धौलपुर करौली का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको सुमेलित करना है। जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी प्रदेश, सीकर, झुंझुनू, चूरू क्षेत्र, इनको क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं जैसलमेर को क्या कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोटा, बूंदी प्रदेश, सीकर, चूरू, झुंझुनू, राइट आंसर बताना है इसका। ये है जैसलमेर को मांड, डूंगरपुर बागवाड़, कोटा बूंदी हाड़ोती और सीकर चूरू सेकावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों, प्राक युग, आदियुग और ऐतिहासिक युग के बीच में संबंध। आपको लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु वह स्पष्ट है। ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, इसका स्पष्ट सुस्पष्ट लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है। तो प्राक युग की बात करें दोस्तों, ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसका। और आदि युग में बात करते हैं तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु स्पष्ट नहीं, और ऐतिहासिक का तो पता है आपको। फिर नेक्स्ट है 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर के और इंद्रगढ़ के पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार, जिसे हैंड एक्स खोज निकाली थी, उन कौन से वैज्ञानिक थे वो जिन्होंने ये खोज निकाली थी, पत्थर की बनी मूर्ति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों C.A. Hackett। ठीक है, याद रखना आपको। अब बताना है आपको, सुमेलित करना है इसको भी कि गुलियुंड सभ्यता का संबंध किस जिले से है, पिंड पाडलिया का संबंध किस जिले से है, झालोड़ का संबंध किस जिले से है और गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस जिले से है, आपको बताना है। तो आप सभी को पता है गुलियुंड राजसंबंध, पिंड माडलिया चित्तौड़गढ़, झाड़ोल सभ्यता उदयपुर और गणेश्वर सभ्यता सीकर में विद्वान है। फिर है लौहकालीन सभ्यताओं को अपने स्थान पर सुमेलित कीजिए। जो भी वाला क्वेश्चन गया पीछे वाला, वो दोस्तों कौन से थे, वो जितने भी थी वो जो ताम्रपाषाण कालीन थे उन सभी में आती थी, और ये है दोस्तों लौहकालीन की। तो भरतपुर की बात करते हैं दोस्तों कि भरतपुर में कौन सी सभ्यता का प्रचलन हुआ, तो वो है नौ। जयपुर में जोधपुरा, झुंझुनू में सोनारी और टोंक में रेड सभ्यता का प्रचलन आप लोगों ने पढ़ा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, सभ्यता तथा खोजकर्ता में संबंध बताना है कि कालीबंगा सभ्यता किससे संबंधित थी, आहड़ किससे, गिलुंड और बागौर सभ्यता किससे संबंधित थी। अमलानंद घोष 1952 ईस्वी, 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, 1957-58 बेबीलाल और डॉक्टर V.N. मिश्र 1967। तो आपको बता दूं मैं दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता का संबंध 1952 अमलानंद घोष से माना जाता है। आहड़ सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो आहड़ सभ्यता 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा बनाई गई। 1957-58 ईस्वी में B.L. लाल थे और डॉक्टर V.N. मिश्र 1967 के अंतर्गत आते थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन के समथिंग। सुमेलित करना है आपको, भीनमाल सभ्यता कहाँ की है, ईसवाल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता और रंगमहल सभ्यता को मिलाना है आगे मिले जिलों से, उदयपुर, जालौर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। तो आपको पता होना चाहिए ये सभी की, भीनमाल जालौर में है, ईसवाल उदयपुर में है, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है आप इन सभी को, गणेश्वर सभ्यता का बागौर, गिलुंड, आहड़ सभ्यता से।
फिर बताना है ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, हाथी दांत के अवशेष कहाँ मिले, कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले और ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आहर सभ्यता, नीचे नीचे की बात करें, आहर सभ्यता ताम्रवती नगरी कहते हैं इसको, ठीक है। बागौर सभ्यता दोस्तों कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम अगर अवशेष मिले हैं आपको तो यहीं से ही मिले हैं। गिलुंड सभ्यता की बात करें तो दोस्तों गिलुंड सभ्यता हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष यहाँ मिले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर लेके आऊँगा दूसरी सीरीज दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए।